In our previous discussion, we have discussed under and over applied application overall company wise or overall factory wise. उसमें हम लोगों ने एक छोटे जो सेटअप को कंसीडर करके हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की है कि ओवरऑल फैक्ट्री में अगर एक ही FOH का अकाउंट हो, डिपार्टमेंटल अकाउंट नहीं हो, तो तब हम लोग उसको उस तरीके से जो है वो एलोकेशन करते हैं, FOH अप्लाइड करते हैं और उसकी अंडर एंड ओवर अप्लाइड की कैलकुलेशंस करते हैं. व्हेन वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जब हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर होगा, तो हम हर एक डिपार्टमेंट का FOH रेट डिफरेंट निकाल सकते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के FOH अप्लाइड भी डिफरेंट निकालते हैं. और उसके लिए फिर हम लोग वही वाली लॉजिक जो हम लोगों ने ओवरऑल फैक्ट्री के लिए यूज की है, वो हम लोग यहां पे FOH एप्लीकेशन इन डिपार्टमेंट भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. हेयर वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कि हाउ वी विल कैलकुलेट एंड अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डिपार्टमेंट्स एंड हाउ वी विल हैव अंडर एंड ओवर अप्लाइड डिपार्टमेंट वाइज एंड हाउ वी विल क्लोज दैट अंडर एंड ओवर अप्लाइड एट द एंड ऑफ द ईयर टू द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Here we have a data, applied FOH for the month जो है वो हमें कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे दिए गए हैं. अदरवाइज हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट ए में FOH अप्लाइड रेट है और उसके साथ FOH जो बेस इस्तेमाल हुई है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास FOH अप्लाइड आ जाएगा. या हम लोग ये कह सकते हैं FOH अप्लाइड का एक अकाउंट बनेगा जिसमें हम लोग जो है वो हर एक जॉब जो जो ए डिपार्टमेंट में होती जाएगी उसके ऊपर हम FOH अप्लाई करते जाएंगे और उसका FOH अप्लाइड जो है वो क्रेडिट साइड के ऊपर क्रेडिट अकाउंट के अंदर उसके अंदर इकट्ठा होते जाएगा. इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी के FOH अप्लाइड आ जाएंगे, इसी तरीके से डिपार्टमेंट सी के FOH अप्लाइड आ जाएंगे और इसी तरीके से डिपार्टमेंट डी के FOH अप्लाइड आ जाएंगे. दैट इज द सेम लॉजिक विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस डिस्कशन व्हेन वी हैव यूज्ड ओनली वन FOH अकाउंट इन अ फैक्ट्री. लाइकवाइज वी हैव FOH एक्चुअल अकाउंट्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट. जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर, पिछले डिस्कशन के अंदर हमने ये सीखा था कि हम लोगों ने डिपार्टमेंटल ओवरहेड एक शीट बनाई थी और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने जो 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 सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी FOH के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के FOH अकाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, ट्रांसफर कर दी थी. वो इसी मकसद के लिए किए थी क्योंकि हम लोग जो FOH अप्लाई करते हैं वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करते हैं, तो जब हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में FOH अप्लाई करेंगे और वो वाली कॉस्ट जो सर्विसेज डिपार्टमेंट में पड़ी होगी वो हम चार्ज किसी भी जगह पे नहीं करेंगे, तो उस कंपैरिजन हम अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करते हुए फिर गलत कर देंगे. तो इसलिए हम लोग पहला स्टेप ये करते हैं कि FOH की जितनी भी जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है उसको हम लोग मेन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसमें ट्रांसफर करते हैं और फिर उसके नतीजे में उनके जो है वो हम लोग अंडर एंड ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करते हैं. हम तमाम जो FOH होते हैं हमारे एक्चुअल, वो हम लोग जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे. जैसे हमारे पास डायरेक्ट मेथड था, सीक्वेंशियल मेथड था, अलजेब्रिक मेथड था, या फिर हम लोग रेसिप्रोकल मेथड यूज करते हैं. उन तमाम मेथड्स को यूज करके हम लोग इनकी कॉस्ट को, एक्चुअल कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं. और फिर हमारे पास अप्लाइड FOH भी आ जाते हैं डिपार्टमेंट वाइज. जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास अंडर एंड ओवर अप्लाइड FOH आ जाते हैं. जैसे हमने कहा जी डिपार्टमेंट ए के एक्चुअल FOH थे 62,600 और अप्लाइड है 66,000. इन दोनों का जो डिफरेंस आया दैट इज 3,400. चूंकि अप्लाइड ज्यादा है और एक्चुअल कम है तो इसलिए ये ओवर अप्लाइड आ गया. तो ओवर अप्लाइड जो है वो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, क्योंकि इनको हम लोगों ने दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो इसलिए ये नेगेटिव नजर आ रहा है. सो ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो ओवर अप्लाइड होगा. सो हेयर 51,600 एक्चुअल थे, 56,000 अप्लाइड हो गए, 4,400 का डिफरेंस है, तो ये भी हमारे पास जो है ओवर अप्लाइड आ गया बिकॉज हमने अप्लाइड ज्यादा किए हैं और एक्चुअल कम है. 72,000 एक्चुअल थे, 70,000 अप्लाई किए हैं, तो 2,000 हमारे पास जो है वो अंडर अप्लाइड आ गए क्योंकि हम लोगों ने अप्लाई कम किए हैं और एक्चुअल ज्यादा हैं. 113,800 हमारे पास एक्चुअल थे, 110,000 हमारे पास अप्लाइड थे, तो 3,800 का फर्क आ गया. तो चूंकि एक्चुअल ज्यादा हैं और अप्लाइड कम हैं तो इसलिए हम लोग ये भी अंडर अप्लाइड आ गए. और जब हमने इनको टोटल करके नट ऑफ किया तो हमारे पास ओवरऑल जो है इस महीने में जो हमने काम किया है या इस साल में जो हमने काम किया है दैट इज
2000 ओवर अप्लाइड, हमारे पास ओवर अप्लाइड की अमाउंट आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक टेबल्स बना के क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज FOH की एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसको कंपेयर करके एक्चुअल के साथ, डिपार्टमेंट वाइज के साथ, तो हम लोग अंडर एंड ओवर अप्लाइड डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हेयर इज द बेसिकली पोस्टिंग ऑफ ऑल दोज एंट्रीज विच वी हैव डिस्कस्ड इन आर लास्ट लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने एक्चुअल FOH को क्लोज करने की एंट्रीज की थी तो ये हम लोगों ने उसकी पोस्टिंग की है। सो हमने जब फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्लोज किया तो उसमें 300,000 की कॉस्ट थी, तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया और तमाम डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को डेबिट कर दिया। तो वो जो हमने पहली एंट्री की थी फॉर द क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ये उसकी पोस्टिंग हमें नजर आ रही है। फैक्ट्री ओवरहेड पार अकाउंट को डेबिट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड ह्यूमन रिसोर्स को डेबिट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट ए को डेबिट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट बी को डेबिट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट सी को डेबिट कर दिया और फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट डी को डेबिट कर दिया और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया था। तो ये उस एंट्री की बेसिकली हमने यहां पे पोस्टिंग की है। फिर हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉस्ट की है टू द मेन डिपार्टमेंट्स। तो ये जो सीक्वेंशियल मेथड हमने किया था उसके मुताबिक हमने इसकी एंट्री जो है वो यहां पे की हुई है। तो पार डिपार्टमेंट की जो हमने एंट्री की थी 30,000 की और उसको हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड किया था। तो ऑल डिपार्टमेंट्स को हमने डेबिट कर दिया था और पार डिपार्टमेंट के FOH को हमने क्रेडिट कर दिया था। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार डिपार्टमेंट कॉस्ट। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट की थी, तो हमने ये कहा कि 20,000 ये था, 2500 और आ गया, 22,500 आ गया, इसको हमने क्रेडिट कर दिया और ये इन तमाम डिपार्टमेंट्स में हमने इसको चार्ज कर दिया। तो इसकी ये पहले थी 10,000, फिर 2500 और आ गई, 4500 और आ गई, इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में ये तीन तीन एंट्रीज हो गई। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्लोज किया, तो पहले इसमें 10,000 था, 2500 यहां से पहले डिपार्टमेंट से आया, 4500 इसका दूसरे डिपार्टमेंट से आया, टोटल बना 17,000 और फिर हमने इनको चार जो है वो मेन डिपार्टमेंट जो है वो उनमें इकट्ठा कर लिया। सो हमारी टोटल जो 3,00,000 की कॉस्ट थी टोटल FOH, वो हमारे चारों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गई और सर्विसेज डिपार्टमेंट में से मूव करके इधर जो है वो हम लोगों ने कॉस्ट को यहां पे ले लिया। अब हम लोग जो है वो अंडर एंड ओवर अप्लाइड की क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन जो है वो कंपेरिजन कर सकते हैं और हम डिपार्टमेंट वाइज अंडर एंड ओवर अप्लाइड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ओवरऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्यों चार्ज करते हैं, वो इसलिए कि हम लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करना होती है और अंडर एंड ओवर अप्लाइड जो है, जो डिफरेंस ऑफ बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाइड कॉस्ट होती है, वो हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग बाकी जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है उनकी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसी लिहाज से जब हम लोगों ने डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को जब हम लोगों ने चार्ज किया FOH अप्लाइड अकाउंट, तो डिपार्टमेंटल अप्लाइड FOH किए तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट ए, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट बी, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट सी, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट डी, तो ये हम लोगों ने एंट्रीज की हैं और वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दिया। सो हमारी एंट्री यहां पे होगी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड अप्लाइड FOH ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। ये अप्लाइड की एंट्री है, तो वर्क इन प्रोसेस की आपको डेबिट साइड पे नजर आ रही है डेबिट और FOH अप्लाइड के अकाउंट जो हम लोगों ने वहां पे एक अकाउंट के साथ किया था, अब यहां पे चूंकि चार डिपार्टमेंट्स हैं तो हम लोग चार अकाउंट के साथ करेंगे। तो एवरी डिपार्टमेंटल FOH अप्लाइड अकाउंट बनेगा और वो हम लोग उसको क्रेडिट करते जाएंगे। फिर हमने FOH के अप्लाइड के अकाउंट को, डिपार्टमेंटल FOH अप्लाइड अकाउंट को क्लोज कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड के जो जो एक्चुअल FOH के अकाउंट थे उसके अंदर। जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट ए था उसमें एक्चुअल FOH थे 62,600 और अप्लाइड हम लोग ये किए 66,000। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो एंट्री की थी क्लोजिंग ऑफ अप्लाइड FOH की, वो हम लोगों ने यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दी है। जैसे हमने FOH अप्लाइड अकाउंट डेबिट और FOH डिपार्टमेंट A अकाउंट क्रेडिट, FOH अप्लाइड अकाउंट B डेबिट एंड FOH डिपार्टमेंट B अकाउंट क्रेडिट, FOH अप्लाइड डिपार्टमेंट C अकाउंट डेबिट और FOH डिपार्टमेंट C अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने हर एक के रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर जो है वो अप्लाइड की फिगर्स को क्लोज कर दिया। सो हियर इज द क्लोजिंग ऑफ FOH अप्लाइड टू FOH कंट्रोल अकाउंट और FOH इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। देन वी हैव बैलेंस्ड फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। हमने सब तमाम
तमाम फैक्ट्री ओवरहेड के जो अकाउंट्स थे जिसमें हम लोगों ने अप्लाइड एफओएच भी इकट्ठे कर लिए और एक्चुअल एफओएच भी इकट्ठे कर लिए, तो उनको हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। तो अब जरा गौर करें, यहां पे हमारे पास आ गई एफओएच डिपार्टमेंट ए, जिसमें हमारे पास एक्चुअल एफओएच थे 62,600 और हमारे पास अप्लाइड आ गए 66,000। इन दोनों को जब हम लोगों ने नेट ऑफ किया तो हमारे पास यहां पे आ गए ओवर अप्लाइड। जैसे अप्लाइड 66,000 है, एक्चुअल 62,600 है, तो ये ओवर अप्लाइड आ गए। फिर दूसरे में देखें, फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट बी, यहां पे हमने कहा जी अप्लाइड है 56,000, एक्चुअल है 51,600, डिफरेंस आएगा 4,400 का। अब ये एफओएच के डिपार्टमेंट बी के डेबिट साइड के ऊपर है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट सी देख लें, फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट सी में 70,000 थे इसके अप्लाइड और 72,000 थे इसके एक्चुअल, तो फर्क आ गया 2,000 का इस साइड के ऊपर। और फिर उसके बाद आप 110,000 इसके अप्लाइड हैं, 113,800 इसके एक्चुअल हैं, तो यहां पे भी हमने अंडर अप्लाइड किए हैं। We will close the balance of factory overhead accounts to under and over applied factory overhead account. We may have four different entries of four different departments. For example, in first department we have a balance of 3400 and it is shown on the debit side of department A. So hum karenge factory overhead department A debit 3400 and under over applied account credit 3400. Second entry hum karenge factory overhead department B debit 4400 and under over applied factory overhead account credit that is 4400. Teesri entry karenge factory overhead department C credit, that because that is credit side ke upar amount hai, credit 2000 and under over applied account debit 2000 and factory overhead department D account credit that is 3800 and under over applied account debit that is 3800. We may have four entries and ultimately on the other way we may have only one entry. One entry kaise karenge? Aap aise karein, factory overhead department A debit, that is on debit side, that is debit 3400. Factory overhead department P, that is debit on 4400, that is debit, usko aap 4400 debit kar dein. Or factory overhead department C, that is credit that with the 2000, to usko aap credit kar dein. And factory overhead department D, that is credit with 3800, usko aap credit kar dein. Ab ye charon jo hain wo aap log ek hi waqt mein likh lein, do debit aa gaye aur do credit aa gaye, aur do debit ko jama kar lein aur dono credit ko jama kar lein, aur jo farak aayega wo agar credit side pe zyada hoga to aap under over applied ke account ko debit kar denge, aur agar debit side pe zyada hoga तो आप अंडर एंड ओवर अप्लाइड के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जैसे आप जरा गौर करें, यहां पे डेबिट हो रहा है 3400, डेबिट हो रहा है 4400, इसका मतलब है टोटल आ गया 7800 डेबिट, और यहां पे आ गया 2000 और ये आ रहा है 3800, तो ये आ रहा है जी 5800 क्रेडिट। डेबिट हो रहा है 7800, क्रेडिट हो रहा है 5800, द डिफरेंस इज 2000 विच इज शॉर्ट ऑन क्रेडिट साइड, तो इसलिए हम लोग अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद 2000। जितनी अमाउंट डेबिट और क्रेडिट की फर्क होगी और जिस साइड पे फर्क होगी उसमें हम लोग उसकी अमाउंट को लिख देंगे और अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट को चार्ज कर देंगे। वी हैव टू अल्टरनेटिव्स, वी मे हैव फोर एंट्रीज, फोर डिफरेंट एंट्रीज, और इन एवरी एंट्री वी मे डेबिट अंडर एंड ओवर अप्लाइड अकाउंट, और वी मे हैव ओनली वन एंट्री, और चारों को आप कर लें और एक ही दफा अंडर ओवर अप्लाइड का जो डिफरेंस है इन चारों का वो अंडर एंड ओवर अप्लाइड को चार्ज कर दें। बेटर अप्रोच इज टू मेक ओनली वन एंट्री, बेहतर अप्रोच क्या है कि आप सिर्फ एक एंट्री करें और उसके मुताबिक जो है वो अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट को क्लोज कर दें, और हर महीने की आपकी ये एक एंट्री होगी और इसको हम हर महीने जो है वो आप एक्यूमुलेट करते जाएंगे और एंड ऑफ द ईयर जाके इसको जो है वो आप अंडर एंड ओवर अप्लाइड को सीजीएस के अंदर या वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स या फिर जो है वो आप सीजीएस के अंदर जब तीन हिस्सों में डिवाइड करके एडजस्ट कर देंगे। होप सो इन दिस वे यू मे हैव अंडरस्टूड द एप्लीकेशन कैलकुलेशन एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड एफओएच डिपार्टमेंट वाइज एंड क्लोजिंग ऑफ डिपार्टमेंटल एफओएच अकाउंट्स एंड कैलकुलेटिंग ऑफ अंडर ओवर अप्लाइड ऑफ एफओएच अकाउंट डिपार्टमेंट वाइज एंड अल्टीमेटली क्लोजिंग ऑफ ऑल दीज फिगर्स इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थैंक यू सो मच।